वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। ये कहानी है तीन दोस्तों की, जिम, हैरी और सैम, जो अपनी वेकेशन के लिए गोवा आए थे। हर किसी की विशलिस्ट में फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप पर जाना जरूर होता है, इसलिए जिम, हैरी और सैम बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्होंने गोवा जाकर वहां पर बाइक्स रेंट पर ली और गोवा की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने लगे। एक रात वो लोग एक पार्टी से वापस लौट रहे थे और वो वापस जाने का रास्ता भटक गए। काफी रात हो गई थी और गोवा के जंगलों से भरे रास्तों पर उन तीनों के ही फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए ना वो गूगल मैप्स की मदद ले सकते थे और ना ही इतनी रात में उन्हें सड़क पर कोई इंसान नजर आ रहा था। वो बस अपनी बाइक पर सवार सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ ही दूर पर जिम को उस रात के अंधेरे में एक चमकती लाइट नजर आई। जिम ने उस लाइट की तरफ देखा तो उसे हिलटॉप पर एक चर्च दिखा। जिस तरह चांद की रोशनी उस सफेद चर्च पर पड़ रही थी, वो बेहद सुंदर लग रहा था। जिम को लगा कि जरूर उस चर्च में कोई तो होगा जिससे वो मदद मांग सके और वापस अपने होटल पहुंच सके। जिम के कहने पर तीनों ने अपनी बाइक्स उस चर्च की तरफ मोड़ ली, पर उन्हें नहीं पता था कि जिस चर्च के सामने वो अब खड़े थे वो कोई मामूली चर्च नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे हॉन्टेड चर्च माना जाता है, जिसका नाम है थ्री किंग्स चैपल। कहते हैं कि करीबन 200 साल पहले वहां पर तीन पोर्चुगीज राजा हुआ करते थे, जो उस चर्च में ही रहते थे। उस एरिया पर रूल करने के लिए उन तीनों के बीच कई सालों तक लड़ाई चलती रही। अंत में उनमें से एक राजा ने बाकी दोनों राजाओं और उनकी फैमिलीज के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला। उसके बाद उस राजा को उन दोनों मरे हुए राजाओं के भूत दिखने लगे, जिससे वो पागल हो गया। लोग कहते हैं कि वो पागल राजा जिसे भी देखता था उस पर अपनी तलवार से वार कर देता था। वो इतना पागल हो चुका था कि एक रात उसने भी जहर खाकर अपने आप को मार डाला। तब से माना जाता है कि उन तीनों राजाओं की आत्मा अभी भी उस चर्च में घूमती है। पर इस सबसे अनजान जिम, हैरी और सैम आधी रात में उस चर्च के सामने खड़े थे। उस चर्च के आसपास का एरिया बिल्कुल खाली था और वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जिम को लगा कि शायद चर्च के अंदर कोई होगा, तो उसने चर्च का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद था। तो जिम उसी चर्च के आसपास घूमकर देखने लगा कि शायद कहीं कोई मिल जाए जो उसे उसके होटल जाने का रास्ता बता दे। जहां जिम मदद ढूंढ रहा था, वहीं हैरी और सैम एक दूसरे की फोटोज खींच रहे थे। फोटोज लेते लेते एक मोमेंट ऐसा आया जहां सैम हैरी की फोटो ले रहा था और अचानक से उसे मोबाइल कैमरा में हैरी के पीछे कोई सफेद साया खड़ा नजर आया। पर जैसे ही उसने मोबाइल का कैमरा हटाया, वो साया वहां से गायब हो गया था। अचानक ही सैम के फोन की बैटरी खत्म हो गई और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। वहीं जिम चर्च के आसपास घूमकर फिर चर्च के दरवाजे के सामने आ खड़ा था, लेकिन इस बार चर्च का दरवाजा खुला पड़ा था। ये देखकर जिम को अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी उस चर्च के अंदर चला गया। चर्च में अंदर घुसते ही जिम को एक बड़ा सा हॉल दिखा। तभी जिम को चर्च के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई और वो उस आवाज के पीछे पीछे चला गया। अंदर जाकर उसे दिखा कि कोई आदमी क्रॉस के सामने झुका हुआ प्रेयर कर रहा है। उस आदमी ने एक अजीब सी पोशाक पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई पुराने समय का राजा हो। जिम उसके पास खड़ा उसकी प्रेयर खत्म होने का वेट करने लगा। वहीं बाहर खड़े हैरी और सैम जिम का इंतजार कर रहे थे। सैम चर्च के पास एक बड़े से पेड़ को घूर कर देखे जा रहा था। हैरी ने जब उससे पूछा तो उसने उससे कहा कि उसे उस पेड़ पर बैठा
एक सफेद साया नजर आ रहा है। हैरी उसकी बात सुनकर पहले तो डर गया, लेकिन जब हैरी ने पेड़ की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। हैरी को लगा कि सैम उसकी टांग खींच रहा है। वो हंसते हुए जब सैम की तरफ मुड़ा तो वो दंग रह गया। सैम की आंखें लाल हो चुकी थीं और वो हैरी को एक बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहा था। हैरी ने उसका नाम पुकारा पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस वो हैरी को घूरे जा रहा था। हैरी ने उसे पकड़कर हिलाया तो सैम ने हैरी को एक जोरदार धक्का दिया। हैरी सीधा जाकर पेड़ पर गिरा। सैम अपने होश खोकर उस हिल के किनारे की तरफ जाने लगा और किनारे पर आकर वो उस हिल से नीचे कूद गया। हैरी ये देखकर एकदम शॉक था। वो जल्दी से सैम को देखने दौड़ा। उसने देखा कि सैम हिल के नीचे वाली रोड पर गिरा पड़ा है और सैम के बगल में एक सफेद साया था जो हैरी के देखने पर हवा की तरह कहीं गायब हो गया। हैरी के होश उड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उसने सैम को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। अंदर जिम अभी भी उस आदमी की प्रेयर खत्म होने का वेट कर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले जो चर्च खाली था वो कई सारे अजीब से दिखने वाले लोगों से भर गया था और वो लोग जिम के ठीक पीछे खड़े थे। पर जिम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जिम अभी भी उस प्रेयर करने वाले आदमी को देखे जा रहा था। उसने कुछ देर इंतजार किया और फिर उस आदमी को आवाज लगा दी। हेलो सर, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपकी। जिम ने इतना ही कहा था कि उस आदमी की गर्दन उल्टी हो गई। ये देखते ही जिम के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी का चेहरा भयानक था और वो अपनी लाल आंखों से जिम को घूरे जा रहा था। जिम ने डर के मारे जैसे ही अपने कदम पीछे लिए, उसे वो सब अजीब लोग दिखे जो शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। वो सब लोग उस पर झपट पड़े। वो राजा जैसा दिखने वाला आदमी जिम के पास आने के लिए आगे बढ़ा तो जिम जोरों से चीख पड़ा। कुछ घंटों बाद हैरी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वापस उस चर्च की तरफ आया। उसने सैम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहां उसे थ्री किंग्स चैपल के हॉन्टेड होने का पता लगा। जब वो वापस जिम को बचाने वहां पहुंचा तो जिम चर्च के अंदर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट तो नहीं थी, लेकिन जिम बेहद घबराया हुआ था। उसने कुछ देर बाद अपने साथ हुई घटना के बारे में सबको बताया। जिम और हैरी की जान तो उस रात बाल बाल बची, पर सैम ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। आपको क्या लगता है, ये सब एक कोइंसिडेंस था या सच में थ्री किंग्स चर्च हॉन्टेड है?